लावत सगळं करून दे वीडियो में हम आपको मेसी का छोटू 5118 ट्रैक्टर का फील्ड ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 5118 ट्रैक्टर से मेसी के 3 फुट का रोटावेटर इंटर रो कल्टीवेशन में चलाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। एक सिलेंडर ट्रैक्टर है ये और किस तरह का काम कर रहा है। यहाँ पर ये 4.5 फिट पर गन्ने की बुआई करी गई है और इसके बीच में ये इंटर रो कल्टीवेशन इस ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है। बहुत अच्छा काम ये ट्रैक्टर कर रहा है। 18 हाउस पावर में बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है ये। एक सिलेंडर ट्रैक्टर है और बहुत कम डीजल लेता है। 1 लीटर से भी कम डीजल खर्च इसका बताते हैं ये किसान। तो आप खुद देख सकते हैं ट्रेंच विधि से बोया हुआ ये गन्ना है जहाँ पर ये इंटर रो कल्टीवेशन किया जा रहा है। बीच में इसकी जुताई की जा रही है और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गहरी जुताई ये कर रहा है। ये देखिए काफ़ी गहरी जुताई इसके द्वारा की जा रही है। तो अगर आप लोग भी ट्रेंच मेथड से गन्ना बोने के शौकीन हैं तो ये ट्रैक्टर बहुत कामयाब ट्रैक्टर, बहुत लाभकारी ट्रैक्टर। गोली भी है, गोली भी खींच के दिखाएगा। लोडर भी चलाएगा। ये तो सारा काम यही कर रहा है। तो बढ़ेगी तो डरती नहीं है। आप सब बैठ जाइए अपनी जगह पे और सभी इंप्लीमेंट के साथ चला के आपको ट्रैक्टर को दिखाएंगे। सबको प्लाउ चलाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है कोई बताएगा? हाँ जी, मुझे लगता है कि एक माइक दे देना आगे। यहाँ पे आपके सामने है गहराई, आप देख सकते हैं। गहराई आपके सामने है और एक समान गहराई भी आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार ताली छोटे से ट्रैक्टर के लिए। एक बार आगे से हट जाए आप लोग, ठीक करके आगे से हट जाए। आप लोग बैठ के देखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी।
जैसा कि आपको हमने बताया था, दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक समान गहरा बहुत अच्छा हाइड्रोलिक सीजन।